मछली पालन के क्षेत्र में जो भी किसान अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और देख भी रहे हैं कि बड़ी संख्या में मछली पालन के प्रति युवाओं में भी क्रेज़ देखने को मिला है। ऐसे में मछली पालन को आप देख सकते हैं, आज हम कृषि विश्वविद्यालय आए हैं और हम यहाँ बात भी करेंगे, क्योंकि मछली पालन के प्रति युवा हो या हर किसी का क्रेज़ तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन किन बातों का आप विशेष ध्यान रखें जिससे कि जिस उद्देश्य से वो उस कार्य को शुरू कर रहे हैं उसमें सफलता मिले और अन्य लोगों को भी रोज़गार उपलब्ध करा सकें। सर, देख रहे हैं हम कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किसान अब मछली पालन की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो वो भी उनकी काफ़ी मदद कर रही है, लेकिन एक एक्सपर्ट के तौर पर, विशेषज्ञ के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं डॉक्टर डीबी सिंह, प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग, प्रभारी अधिकारी मत्स्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि मछली पालन के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि कहीं अच्छी ज़मीन, जहाँ पर कम से कम 90% अच्छी मृदा हो, 10% के आसपास कंकड़ पत्थर या रेतीली ज़मीन हो, वहाँ पर अपने ज़िले के मत्स्य विकास अधिकारी से एक सॉयल का सैंपल टेस्ट कराकर ही तालाब निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। इसी के साथ साथ जहाँ भी आप तालाब का निर्माण कर रहे हैं वहाँ थोड़ी सी लो लाइंग ज़मीन हो जिससे पानी की निकासी हम आसानी से कर सकें। इसके साथ साथ जो हम तालाब की खुदाई कराते हैं वहाँ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जहाँ हम तालाब की खुदाई कर रहे हैं ज़मीन की सतह से केवल आधे मीटर तक ही खुदाई करने पर ऊपर 1.5 मीटर तक बंधे को बनाया जा सकता है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है, अन्यथा आपकी लागत ज़्यादा आएगी और आपको लगेगा कि इसमें हमें प्रॉफिट कम हो रही है। तालाब में मछली के प्रबंधन के बाद उसके भोजन का प्रबंधन करना है। भोजन के प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को जो राइस ब्रान और सरसों की खल होती है उसको 1:1 के अनुपात में, यानी 1 किलो सरसों तो 1 किलो राइस ब्रान का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे सबसे अच्छा भोजन यूपी एग्रो के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा संतुलित आहार है, जिसमें मिनरल मिक्सचर, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि का पूरी तरह से समन्वय किया जाता है। उससे मछलियां अच्छी वृद्धि करती हैं और समय समय पर जाल चलाकर किसान भाइयों को देखते रहना चाहिए कि हमारी मछली में कोई स्वास्थ्य की समस्या तो नहीं आ रही है। इसी तरह से मछलियों की वृद्धि क्या निरंतर हो रही है जिस अनुपात में हम भोजन दे रहे हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख करके 1 वर्ष तक पालन पोषण करने के बाद किसान भाइयों को 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र से लगभग 50 कुंतल तक मछली प्राप्त हो सकती है। ये तभी प्राप्त हो सकती है जब किसान भाई वैज्ञानिक ढंग से मछली का पालन करें। भोजन इत्यादि का प्रबंधन करना है, उसे समय समय पर देते रहेंगे तभी ये संभव है, अन्यथा की स्थिति में औसत उत्पादन 30-35 कुंतल तक ही प्राप्त हो पाता है। तो किसान भाइयों को आधुनिक ढंग से वैज्ञानिक तौर तरीके से मछली का पालन करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक मछली को उत्पादित कर सकें, अपना जीविकोपार्जन कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। आगे कर रहे हैं तो अगर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो एक बड़ी समस्या होती है, हम लोग कहते हैं कि हमने लागत तो अधिक लगा दी लेकिन उस प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा, अगर इस विधि के साथ आप कार्य करेंगे तो कम लागत में अधिक उत्पादन होगा। न्यूज 18 से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।